ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी की मनमानी देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। शिक्षक प्रभात रंजन से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बता दें कि नवीन प्राथमिक विद्यालय मेदिनीपुर में प्रभात रंजन शिक्षक हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने शिक्षक को चिट्ठी भेजी है और स्पष्टीकरण मांगा है। इस वजह से शिक्षकों की जान जा रही है और ये कोई पहली घटना नहीं थी। औरंगाबाद में एक शिक्षिका बहन रेलवे ट्रैक हड़बड़ी में वो स्टेशन में पुल के बदले पटरियों से ही क्रॉस कर रही थी, उनकी जान चली गई। मुजफ्फरपुर में दुर्घटनाग्रस्त होकर के शिक्षक शिक्षिकाओं की जान चली गई। हमारे मुंगेर की हमारे गृह प्रखंड की एक शिक्षिका की जान स्कूल जाने से लौटने समय चली गई। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं इससे लगातार शिक्षकों में आक्रोश है और अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता भी उत्पन्न हो रही है। जो भी मृत हुए हैं पिछले एक साल में 15 महीने में उन सभी को 1 करोड़ का मुआवजा, अनुकंपा पर जल्द से जल्द नौकरी और जो बाकी शिक्षक हैं उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण सुविधा जल्द से जल्द की जाए। तो सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी की मनमानी का ये मामला सामने आया है और वीडियो अपलोड करने की बात कही गई है, जिसके बाद शिक्षक प्रभात रंजन से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवीन प्राथमिक विद्यालय मेदिनीपुर के शिक्षक हैं प्रभात रंजन, जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं जिन्होंने चिट्ठी भेजकर स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। और सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, देखिए ये सीधे सीधे मनमानी है जिला शिक्षा पदाधिकारी की। एक वीडियो शिक्षक प्रभात रंजन की तरफ से अपलोड किया जाता है सोशल मीडिया पर और इस वीडियो को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हो गया। बर्खास्तगी तक की बात कही गई है उस चिट्ठी में। रश्मि, देखिए ये शिक्षा विभाग की एक तरीके से मनमानी है और शिक्षा विभाग में ऐसा लगता है उसने प्रथम दृष्टिया ये मान लिया है कि जो शिक्षक है वो गुनहगार है। क्या है, शिक्षा विभाग अपने टाइमिंग को लेकर काफी सख्त हो गया है। इसने जो समय सारणी दी है स्कूलों को उस सारणी के लिए वो काफी सख्त हो गया है। और ये जो शिक्षक है प्रभात रंजन, दरअसल जब भी ये घर से बाहर आ रहे, घर से स्कूल के निकलते हैं तो रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, उस रेलवे क्रॉसिंग में काफी जाम रहता है। तो उसी रेलवे क्रॉसिंग के सामने से उन्होंने एक वीडियो बनाया और उसके बाद वो वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड कर दिया कि देखिए आप लोग समय सारणी समय से आने के लिए कहते हैं लेकिन देखिए हम लोगों को कितने मुश्किल से गुजरना पड़ता है। तो उन्होंने एक प्रकार से शिक्षा विभाग को ये नसीहत दी कि आप लोग केवल दिशा निर्देश जारी कर देते हैं लेकिन जमीन पे जो दिक्कत हो रही है शिक्षकों को उनसे कोई वास्ता नहीं है। इसके बाद जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ ने इस प्रभात रंजन जो मेदिनीपुर नवीन प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है, नवीन विद्यालय में वो शिक्षक है, उनको एक स्पष्टीकरण उनको एक लेटर भेजा गया है। उस लेटर का जो सारांश है वो ये है कि आपने जो आप लोग वीडियो अपलोड किया है ये विभाग के नियमों के विरुद्ध है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाए और अगर संतोषजनक अगर आपकी आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो विभाग अपनी तरफ से कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हुआ यानी आपको बर्खास्त किया जा सकता है। साफ तौर से ये जो देखिए व्यवहार में काफी दिक्कतें हैं शिक्षा विभाग में और जमीन पे भी। शिक्षा विभाग को नो डाउट अपना जो उसकी समय सारणी है उसको लेकर उससे सख्त होना चाहिए लेकिन शिक्षकों की जो दिक्कतें हैं उसका भी उसको ध्यान रखना चाहिए। जी रश्मि, चलिए बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका तमाम जानकारी के लिए।